हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। तो फाइनली आज मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू कर रही हूँ फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की। आप में से कुछ लोग बहुत बार ये बोल रहे थे कि एमसीक्यूज करवाओ, तो आज यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इसमें हम इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगी और बेसिकली इसमें रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। आई होप आपके लिए ये टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए वॉलीबॉल मैदान का क्या माप होता है? मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल फील्ड इज 16x8 मीटर, 18m x9 मीटर, 20m x10 मीटर या फिर 40m x7 मीटर। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? 8m x9 मीटर, 18x9 का होता है वॉलीबॉल का मैदान। ये हमने सारी वीडियोस गेम को लेकर कर ली है पहले ही, आप सारी वीडियो देख सकते हैं मेरी, इसमें हमने पूरा डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हुई है और कई गेमें जो रही हैं उनको भी हम आगे करते जाएंगे साथ में। और इसमें और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे देखिए नेट और पोस्ट का कितना मेजरमेंट रहती है, जैसे नेट की हाइट कितनी हो गई, ये मैन के लिए रहती है 2.43 मीटर, वीमेन्स के लिए 2.24 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, नेट की लेंथ होती है 9.50 से लेकर 10 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी होती है, 1 मीटर इसकी विड्थ होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में देखिए पोस्ट की हाइट कितनी रहती है, यहाँ पर इसकी हाइट होती है 2.55 मीटर, और दो पोल के बीच में डिस्टेंस कितना आता है, पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 11 मीटर। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है, 6, 7, 8 या 9? तो कितनी क्रॉस लेन होती है खो खो में, ये होती है 8। नंबर ऑफ क्रॉस लेन इन खो खो आर 8। तो यहाँ पर देखिए आप इमेज में देख सकते हैं खो खो की कितनी लेन होती है, 8 लेन होती है, और इनका डिस्टेंस कितना होता है, 2.30 मीटर की ये क्रॉस लेन होती है, और पोल से लेकर पहली क्रॉस लेन तक का डिस्टेंस होता है 2.55 मीटर, और जो फ्री जोन एरिया ये वाला रहता है फ्री जोन एरिया, इसका डिस्टेंस होता है 1.50 मीटर। और खो खो मैदान की कुल लंबाई कितनी होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है खो खो के, ये होती है 27 मीटर, और इसकी विड्थ होती है 16 मीटर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कई बार 16 मीटर का रहता है खो खो का मैदान। और इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ राउंड बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की कितनी ड्यूरेशन होती है, जो राउंड बॉक्सिंग होती है उसमें जो खेल होता है कितने मिनट का रहता है, 1 मिनट का, 2 मिनट, 3 या 4 मिनट का? तो इसमें सही उत्तर क्या है, सी, सी इसमें राइट आंसर है 3 मिनट, 3 मिनट का होता है 1 राउंड। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बॉक्सिंग के अंदर एक बाउट के अंदर होते हैं 3 राउंड, ठीक है 3 राउंड रहेंगे, और 1 राउंड कितने मिनट का हो रहता है, 3 मिनट का ये रहता है। ये भी आप बॉक्सिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, द वर्ड टी ऑफ इज एसोसिएटेड विथ पोलो, स्नूकर, गोल्फ या बिलियार्ड्स। तो जो टी ऑफ शब्द है ये किससे संबंधित है, पोलो से, स्नूकर, गोल्फ या बिलियार्ड्स? तो इसका राइट आंसर है सी, गोल्फ। गोल्फ के अंदर देखिए जिसके द्वारा बॉल को मारा जाता है उसको बोला जाता है टी, तो उस टी से फर्स्ट बॉल को जब होल में मारा जाता है उसको बोलते हैं टी ऑफ। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर किसको कहा जाता है, प्रीकार्डियम, ए बी नोड, एस ए नोड या बोथ ए बी और एस ए नोड? तो इसका राइट आंसर है सी, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, पेस मेकर ऑफ हार्ट इसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है और एट्रियम को ये सिग्नल देता है कि अब उसको सिकुड़ना है, और फिर सारे सिग्नल जाकर ए बी नोड में जाकर मिलते हैं, फिर ऐसे नोड के बाद यानी कि सिग्नल ए बी नोड में चला गया। ए बी नोड होता है एट्रोवेंट्रिकल नोड, ये वेंट्रिकल को सिग्नल देता है, यानी कि जैसे इसके पास सिग्नल आया ऐसे नोड से तो ये क्या करता है, वेंट्रिकल को सिग्नल देता है कि अब उसको सिकुड़ना है। यानी कि इस हार्ट के अंदर कितने 4 चैम्बर होते हैं, पहले एक सिकुड़ता है और दूसरा फैलता है, इस तरह से जो सिकुड़ने और फैलने का काम होता है उसको सिग्नल कौन देता है, ए बी और एसी नोड सिग्नल देते हैं।
और बेसिकली ये कंट्रोल होते हैं ब्रेन के द्वारा, ब्रेन का जो भाग रहता है मेंडुला ओब्लॉंगेटा के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। और प्रीकार्डियम का क्या काम रहता है, प्रीकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ये हार्ट के पास एक पतली सी थैली होती है जो कि हेल्प करती है कि हार्ट के अंदर जो है ज़्यादा ब्लड का फ्लो ना हो जाए या हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, हार्ट को ये चेस्ट के साथ बने रहने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रिंग इन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट यूरोप एशिया अफ्रीका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो ओलंपिक झंडा रहता है उसमें पीला रंग किसको दर्शाता है। अब ओलंपिक फ्लैग के अंदर देखिए इस तरह का ये ओलंपिक फ्लैग में रिंग रहते हैं, पांच रिंग इसमें रहते हैं और ये पांचों रिंग रिप्रेजेंट करते हैं पांच कॉन्टिनेंट को। और इसमें अगर लेफ्ट टू राइट देखा जाए, लेफ्ट टू राइट, तो इस तरफ से देखिए ये जो रिंग रहता है ये होता है ब्लू कलर का और ये वाला रहता है येलो कलर का, ठीक है, और ये ब्लैक और ये हमारा ग्रीन और ये रहता है रेड कलर का। और इसमें ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ठीक है, और ये येलो कलर एशिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एशिया, बी इसका राइट आंसर है एशिया। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है एशिया को, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया और रेड यहाँ पर अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल हार्ट ऑफ लायन। किस क्रिकेटर के आत्मकथा का शीर्षक हार्ट ऑफ लायन है। मनिंदर सिंह, के एस रंजीत सिंह, कॉर्टनी वॉल्श एंड एरिक हॉलिस। तो इसका राइट आंसर है कॉर्टनी वॉल्श। कॉर्टनी वॉल्श की आत्मकथा है हार्ट ऑफ लायन। ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, वेस्ट इंडीज के ये फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं कॉर्टनी वॉल्श। और जो मनिंदर सिंह है ये इंडियन क्रिकेटर है। के एस रंजीत सिंह, देखिए ये महाराजा रंजीत सिंह, इनके नाम से रणजी ट्रॉफी भी दी जाती है। एरिक हॉलिस ये इंग्लिश क्रिकेटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड ऑफ मैराथन रेस। मैराथन दौड़ के खेल मैदान का कितना माप होता है, यानी कि मैराथन रेस की कितनी दूरी होती है। 26 माइल, 26 माइल, 385 यार्ड, 28 माइल, 275 यार्ड या फिर 30 माइल, इनमें से कौन सा है राइट आंसर। तो इसका आंसर है 26 माइल 385 यार्ड। और अगर किलोमीटर में देखें तो ये होता है 42.195 किलोमीटर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है और माइल में भी, दोनों ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्टीपलचेज इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग हॉर्स रेसिंग पोलो या रोइंग। और रोइंग क्या होता है, ये नौकायान की जो दौड़ होती है वो होती है रोइंग, पोलो या हॉर्स रेसिंग बॉक्सिंग। तो हॉर्स रेसिंग इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ हर्डल इन मैन 110 मीटर हर्डल रेस। पुरुषों की 110 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसमें जो हर्डल होती है, बाधा होती है, उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी रहती है। ऑप्शन ए है हमारा 1.057 मीटर, ये मीटर में है सारे, और बी हमारा 1.067 मीटर, सी 1.077 और डी 1.097 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.067 मीटर। और 400 मीटर का अगर पूछा जाए तो मेंस के लिए इसकी कितनी हाइट रहती है हर्डल की, तो 0.914 मीटर। और अगर वीमेंस का पूछा जाए, ठीक है, वीमेंस के लिए जो 100 मीटर की हर्डल होती है उसमें हाइट कितनी रहती है हर्डल की, 0.84 मीटर। और अगर 400 मीटर वीमेंस का पूछा जाए तो 0.762 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का कितना भार होता है, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 0.5 ग्राम या फिर 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 0.5 ग्राम। और अगर औंस में पूछा जाए तो ये होता है 0.018 औंस। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे ब्रेन में होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा बहुत दूसरी सी जो ग्रंथियां होती है वो कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है।
और ब्रेन में ये कहाँ पर होती है? ब्रेन में जो स्फेनॉइड बोन होती है, स्फेनॉइड हड्डी में ही, वहां पर ये होती है स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में। और इस तरह से बहुत छोटी सी होती है। इसका वेट हमने पढ़ लिया 0.5 ग्राम इसका वेट रहता है। फिर नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास ग्लैंड? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है? ऑप्शन है, देखिए, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोजन होता है, या फिर इन दोनों ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता है। पेनक्रियास के अंदर होती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये आप याद रखना, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होती है? पेनक्रियास के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इनके अंदर सेल रहते हैं जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल से ग्लाइकोजन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पेनक्रियास ग्लैंड से निकलते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मसल आर मेड ऑफ, मसल किसके द्वारा बनी रहती है? इलास्टिक फाइबर, कैल्शियम, सिलिका या फास्फोरस? अब मसल देखिए, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं ये बनी होती है, मेनली ये बनी होती है टिश्यू के द्वारा, इलास्टिक टिश्यू के द्वारा ये बनी हुई होती है। टिश्यू यानी कि ऊतक, और ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। तो इलास्टिक टिश्यू के द्वारा मेनली हमारी मसल्स बनी रहती हैं, और टिश्यूज के अंदर होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, ठीक है, छोटे छोटे इसमें फाइबर्स बन लगे रहते हैं। टेंट की क्या करते हैं, मसल का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, इलास्टिक फाइबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज विद अ राइज इन हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। किसमें वृद्धि के साथ कार्डिक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है? हृदय की गति में वृद्धि के साथ, या स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर मात्रा बढ़ाई जाए तो उसमें वृद्धि के साथ कार्डिक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है, या फिर इन दोनों में ही वृद्धि अगर होती है तो क्या कार्डिक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है? अब सबसे पहले देखिए, कार्डिक आउटपुट किसको बोला जाता है? 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उसकी कितनी मात्रा होती है, उसको बोला जाता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का क्या फार्मूला रहता है? ये होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि इन दोनों में ही वृद्धि का इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, हार्ट रेट अगर बढ़ती है या स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों में कुछ भी अगर बढ़ता है तो कार्डिक आउटपुट पे इसमें प्रभाव पड़ेगा। एक चीज और इसमें याद रखना, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उतना ही हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट क्या होता है? 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है, वो हमारा हार्ट रेट हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार पंप करने पर जितना ब्लड शरीर में पहुंचता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक सामान्य व्यक्ति में, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उसमें रेस्ट की स्थिति में अगर देखा जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका होता है 70 ml, उतना ही हमारा हार्ट रेट होता है। तो हार्ट रेट हो गया 70 ml इंटू 70 ml, तो आउटपुट कितना हो गया इसका, कार्डिक आउटपुट ये हो गया 4900 ml, लगभग कितना होता है, 5 लीटर के बराबर। हार्ट रेट से रिलेटेड भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट रेट कितनी होती है, तो ये होती है 60 से 80, अगर एवरेज देखा जाए तो 72 बार हमारा हार्ट 1 मिनट में धड़कता है। एक और क्वेश्चन इसमें याद रखना, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की हार्ट रेट कितनी होती है? तो 40 से 50 तक ये हो सकती है, 40 से 50 पर मिनट ये हमारी हो सकती है। प्रशिक्षण के द्वारा हार्ट रेट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स कंसिडर नॉर्मल इज 18.5 to 25, 20.5 to 30, मोर देन 25, लेस देन 18.5। और सामान्य व्यक्ति में बॉडी मास इंडेक्स की कितनी सीमा होती है? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ये मोटापे को मापने का सूत्र होता है, ओबेसिटी मोटापे को इसके द्वारा मापा जाता है। इसमें 4 कैटेगरी होती है, देखिए, एक होता है अंडर वेट, एक होता है नॉर्मल वेट, और फिर तीसरा है ओवर वेट,
चौथा है ओबेसिटी। अगर किसी का भी एमआई बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 होता है, 18.5 से कम होता है, तो ये इसका मतलब होता है वो अंडर वेट होता है। और अगर 18.5 से लेकर 24.9 होता है तो ये हमारा नॉर्मल वेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 18.5 से लेकर 25। ठीक है, ये हम इसको राउंड फिगर करें तो ये 25 ही आएगा, 24.9। और अगर इससे ज़्यादा हो गया, 25 से लेकर 29.9 हो गया, तो ये ओवर वेट होता है। और अगर इससे ज़्यादा हो गया, 30 से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 30 हो गया, तो इसका मतलब मोटापा है, ओबेसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। कौन से साल में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई, 1965, 1961, 1963 और 1957। तो इसकी शुरुआत हुई 1961 में, 1961 में इसकी शुरुआत हुई। और ये दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, 29 अगस्त को हर साल ये दिया जाता है। उस दिन स्पोर्ट्स डे होता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हर साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, और उसी दिन ये सारे नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, एथलेटिक, गोल, बास्केटबॉल, हॉकी। इसमें मिल्खा सिंह के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं जी मिल्खा सिंह, और ये गोल्फ से संबंधित है, और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल का कितना वजन होता है, 5.5 ओंस, 5 ओंस या 6 ओंस, 4.5 ओंस। क्रिकेट बॉल का वेट होता है 5.5 ओंस, और अगर इसको ग्राम में पूछा जाए तो ये होता है 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ जेवलिन रनवे, जेवलिन का जो रनवे होता है उसकी स्टैंडर्ड मानक चौड़ाई कितनी होती है, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर, 4 मीटर या नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही सारी चीजें बताई हुई है जेवलिन वाली वीडियो में, इसमें कितनी रहती है रनवे की चौड़ाई, 4 मीटर रहती है। तो इसका राइट आंसर कितना है, 4 मीटर। लेंथ कितनी होती है रनवे की, 30 से 36.5 मीटर, और इसका एंगल याद रखना, एंगल होता है 29 डिग्री का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1950 में या 1951, 1954, 1969। तो स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना हुई 1954 में, सी इसका राइट आंसर है 1954। और इनका क्या काम रहता है स्कूल गेम फेडरेशन का, कि ये स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बॉयज गर्ल के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल लेवल पे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, कुछ 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए होंगे, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से ये पूरी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छे लगे आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।